गुरु कार्य को भी एक नए परिपेक्ष में समझने की आवश्यकता है। अगर समझोगे तो सारे मामले समाप्त हो जाएंगे, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गुरु कार्य यानी वह कार्य जो गुरु स्वयं करता है, हम सब माध्यम है। फिर से सुनिए, गुरु कार्य गुरु का कार्य है जो गुरु के द्वारा ही संपन्न होता है, हम सिर्फ माध्यम है, यानी हम करते ही नहीं, कर्ता का भाव ही नहीं है, हम करने के योग्य ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन गुरु कर सकता है, गुरु करता है, वो गुरु का ही कार्य है, गुरु अपने माध्यमों से कर रहा है। अब सोचिए ना, सालों जंगलों में रहा हुआ व्यक्ति जिसका ना कोई भाषा से लेना देना है, ना कोई संस्कारों से लेना देना है, ना कोई मनुष्य से लेना देना है, ना कोई समाज से लेना देना है, समाज में भी कुछ भी उसका संबंध नहीं है, ऐसा व्यक्ति सालों जंगलों में रहने के बाद में समाज में आता है और समाज में आके एक व्यक्ति के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देशों में, विश्व भर में वो संदेश पहुंचता है, वो अनुभूति पहुंचती है। ये कभी संभव है? हो सकता है? यह असंभव है। ये इसलिए संभव हो सका, यह गुरु कार्य गुरु का कार्य है जो गुरु के द्वारा किया जाता है, हम केवल माध्यम है। तो फिर अपने आप को माध्यम समझो, अपने आप को पाइप समझो। तुम जितना अपने आप को पाइप समझोगे, जितना खाली समझोगे, उतना आपके मार्फत से अधिक कार्य होगा। उसके दो फायदे, जब आप मानोगे कि ये गुरु का कार्य है, गुरु कर रहा है, तो आपको कर्ता का भाव नहीं आएगा, मैंने किया मैंने किया, मैं बकरी जैसा नहीं करोगे। दूसरा, दूसरे साधक से ईर्ष्या भी नहीं करोगे, ये गुरु कार्य करने का अवसर उसको मिला मेरे को नहीं मिला, ये ईर्ष्या का भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि मालूम है ना वो कार्य मैं कर रहा था, ना वो कार्य वो साधक कर रहा है, कार्य तो गुरु स्वयं कर रहा है, वो तो एक माध्यम है। फिर कोई प्रतियोगिता भी नहीं है, मेरे को अधिक से अधिक गुरु कार्य करने मिलना चाहिए, कोई प्रतियोगिता नहीं है। ईर्ष्या, अहंकार, प्रतियोगिता का भाव, ये सब शरीर से संबंधित है, और गुरु कार्य आत्मा का शुद्ध सत्य भाव है। एक आत्मा के द्वारा एक आत्मा के लिए किया गया कार्य। इन्होंने प्रचार कार्य किया है, ये जो करते हैं वो इस अनुभव को प्राप्त करते हैं। जब आप ध्यान के बारे में, मंत्र के बारे में लोगों को बताते हैं, उनको ध्यान कराते हैं, उनको अनुभूति होती है, तो अनुभूति होने के बाद में आपको भीतर कहीं तो भी बहुत संतोष प्राप्त होता है, एक भीतर के आत्म समाधान को आप प्राप्त हो जाते हैं, एक आत्म शांति आपको मिलती है, जो दुनिया के कोई धन से, कोई पैसे से, बाहर से खरीदी ही नहीं जा सकती।